हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, आज है होली, तो आप सबको हैप्पी होली। और अभी जो है गोलू डुगू जो है नीचे चले गए हैं रंग खेलने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, और मॉर्निंग का भी 10 बज गया है। तो खाने में जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि आज हमारे यहाँ पे बनेगा मटन, तो अभी ये देखिए मटन बना रहे हैं ये। तो ये देखिए ये जो है मटन बना रहे हैं। और मैं ना मतलब हम लोग जो है आज ये बनाएंगे अपना कढ़ाई में मीट बना रहे हैं, और मैं बनाऊंगी मटका में। तो मैं एक मटका ही मंगाई थी, कल ही मंगाई थी मटका, तो उसमें मैं बनाऊंगी। और हम लोग बोले कि कौन अच्छा बनाता है, तो मेरा मटके वाला मीट कि इनका कढ़ाई वाला मीट। तो पहले अभी ये बना रहे हैं, उसके बाद जो है मैं मसाले वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ और फिर मैं बनाऊँगी। तो आप लोग के साथ भी दिखाती हूँ मटके में जो है मैं कैसे मटन बनाती हूँ। अपो तुमको रंग किसने दिया? इधर देखो, हैप्पी हो गई। किसने रंग लग डाल दिया? तो यहाँ पे ये देखिए गुब्बारे में पानी भरा जा रहा है, और यहाँ पे अभी जाने की तैयारी हो रहा है इन लोग का। सचिन भी भूत बन गया है? नहीं, वो अभी तक अच्छे से गीला ही नहीं हुआ, उसको गीला करना बाकी है। ओहो भाग जा। तो यहाँ पे अभी ये देखिए इनका जो है अभी मटन बन गया था, और बच्चे खा भी लिए थे थोड़े थोड़े, और मैं अभी इसको उतार के रख देती हूँ और मैं अपना मटन बनाने की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे अभी आप सब देख सकते हो कुछ प्याज जो है बारीक बारीक मैंने काट लिया है, और इधर अभी मैं सॉस पैन चघाई ये वाला। तो इसमें ना मैं क्या करूँगी, इसमें सरसों का तेल जो है डाल के और अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए इतना तेल जो है मैंने डाला है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल डाला है क्योंकि मटके में जब बनता है ना तो तेल जो है ज़्यादा डालना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये देखिए एक सबसे पहले मैं मटन को जो है मैरिनेट कर लेती हूँ। तो इसमें बारीक कटा कटा प्याज और 2 लहसुन मैंने लिया है, क्योंकि ये ना मटन के साथ लहसुन मतलब जब भी मटन बनता है तो इस तरीके से बड़े बड़े लहसुन मैं डाल देती हूँ इनके लिए, तो ये खाते हैं। और इसके बाद जो है मैं इसमें 3 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, तो ये सब मैं डाल के, और इसमें ना मैं लाल मिर्च करीब 4 से 5 और लहसुन अदरक जो है मैं पीस ली थी, और पीस के ये सारे मैं डाल देती हूँ। और बाकी के जो मसाले हैं सूखे मसाले वो भी डाल देती हूँ। तो सूखे मसाले में हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर और मिक्स मसाला पाउडर, यही सब जो है मैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच कर कर के मैं डालती हूँ। तो मटन जो है अभी 750 ग्राम तक है, तो इसी वजह से मसाले मैंने थोड़े ज़्यादा ज़्यादा लिए हैं। और ये देखिए इसको सारे को जो है मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और हाँ, मैंने इसमें नमक भी डाला था, तो नमक दिखाना मैं भूल गई। तो सबसे पहले हाथों से मिक्स करके, और हाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप सबको, अगर आप मटन चिकन मटन नहीं खाते तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा और मेरा रंग वाला वीडियो देख सकते हो। तो ये देखिए मैं मटन को अच्छी तरह से धो के रखी थी, और इसमें जो मसाले वगैरह मिक्स करके मैं रखी थी ना, इसको इसमें मैं मटन को डाल देती हूँ। और डालने के बाद इसको हाथों से ही मिक्स करना है, आप चम्मच से मत मिक्स कीजिएगा, नहीं तो फिर चम्मच से अच्छे तरह से मिक्स नहीं होगा। तो बस हाथों से ही मिक्स करना है। और ये देखिए ये तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं जो है निकलने लगा है। तो इसको मैं अभी जो है ठंडा करके, और ये देखिए मैं इसमें मटन में जो है डाल देती हूँ, और थोड़ा सा सॉस पैन में ही रहने देती हूँ, क्योंकि जब मैं मटके में मटन बनाऊँगी ना तो जो बचा हुआ तेल है उसमें डालूंगी मटके में। और मैं फर्स्ट टाइम मैं मटके में मटन बना रही हूँ, तो कैसा बनेगा कैसा नहीं मुझे भी अभी लग नहीं रहा था कैसा बनेगा कैसा, इस तरीके से लग रहा था। तो फिर बाद में जब ये बनता है ना मटन तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और
मटके में मैं बनाऊंगी। तो इसको ना नया लाए थे, तो इसको 3 से 4 घंटे तक मैं बाल्टी के पानी में डुबो के रख दी थी, ताकि इसमें जो है तेल वगैरह ना पिए। और मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, क्या होता है ना, तेल सूखा रहता है तो तेल ज़्यादा जो है खींचता है, तो इसी वजह से मैं पानी में भिगो दी थी। तो ये देखिए, बाकी का जो तेल बचा था मैं इसमें डाल देती हूँ मटके में। और जितना ये मैं मिक्स करके रखी थी मटन मसाले, सारे कुछ जो है इसमें मैं डाल देती हूँ मटके में। और इसको डाल के मैं ना इसको, जैसे कि एक तो होता है ना पूरा बंद करके लो फ्लेम पे पकाते हैं, तो मैं बंद करके नहीं पका रही हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी ना, तो मुझे लग रहा था बीच बीच में मुझे चेक भी मैं करूँगी, इसी वजह से मैं पूरा पैक करके जो है नहीं बना रही थी। तो ये देखिए सारा कुछ इसमें मैंने डाल दिया है, इसको मैं अभी ढक देती हूँ और मैं इसको बीच बीच में जो है चेक करती रहूँगी, तो इसी वजह से मैं अभी इसको पूरा पैक नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आप पैक करके अगर बनाते हो ना, तो फिर इसके ऊपर से जो है आटा लगा दीजिए गूंद के, तो उसका भाप जो है नहीं निकलेगा। और उसके बाद डायरेक्ट मैं अभी मिल रही हूँ, तो ये मटन बन गया था, ठंडा भी हो गया था, तो ये देखिए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इसमें ना थोड़ा सा मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया था, और मुझे लग रहा था ना कि बनेगा नहीं बनेगा, मटका है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरीके से लग रहा था। तो फिर बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने ज़्यादा ग्रेवी जो है नहीं बनाया है, और अभी हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान भी आते हैं मटन खाने के लिए, तो वो वीडियो जो है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं अभी दिखा रही थी, ये जो है बहुत ही अच्छा बना था। और इसके साथ जो है हमने चावल बनाया, क्योंकि हमारे घर में जब भी मटन चिकन बनता है तो चावल ज़रूर बनता है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग का खाना बन गया है, और अभी खाए नहीं है, बस खाएंगे बाद में। तो अभी ना नीचे जो है सभी लोग बुला रहे हैं रंग खेलने के लिए, तो बस अभी वहीं पे जाएंगे, वो नीचे से जो है अभी थोड़ा सा रंग वगैरह खेल के आते हैं, सभी लोग बुला रहे हैं। तो और ये भी है, ये भी कब से बोल रहे हैं रंग देना है रंग देना है। तो ये देखिए, ये जो है मेरे पूरे फेस पे अभी गुलाल लगा दिए थे, और मैं भी इनको अभी लगा देती हूँ। और ये मैं बोल रही थी थोड़ा सा लगाइए, तो बोले कि नहीं होली है आज पूरा लगाएंगे। हैप्पी होली बेटा। तो फ्रेंड्स आपको फिर से एक बार हैप्पी होली, और ये देखिए कितना सारा कलर जो है मेरा लग गया है। सभी लोग कलर भी गए हैं सब लोग, और मुझे भी भिगा देंगे। तो मैं बोली थी ना खाली मैं गुलाल के साथ खेलूंगी, पर यहाँ पे जो है सब लोग पानी के साथ खेल रहे हैं, पक्का वाला रंग के साथ। तो फ्रेंड्स होली के जो वीडियोस हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं बाकी के वीडियोस जो है नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, नहीं तो आप सब जो है बोर हो जाओगे, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो ये देखिए अभी यहाँ पे सभी लोग जो है रंग खेल रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है शेयर करूँगी।